दरअसल नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी करने का कांग्रेस विरोध कर रही है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के खिलाफ जम्मू में पार्टी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर नेहरू की विरासत को नष्ट करने का आरोप लगाया। जो यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस है जम्मू में, यहाँ पे जो पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है रमन भल्ला, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे एक जोरदार प्रदर्शन पार्टी हेडक्वार्टर के सामने, इसके खिलाफ जो डिसीजन सरकार ने लिया है, केंद्र सरकार ने, इसके खिलाफ किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है, इनका इल्ज़ाम है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उस जैसी शख्सियत का नाम, उनकी शख्सियत पर जो म्यूज़ियम का नाम रखा गया था दिल्ली का, दिल्ली में जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी, उसका नाम जिस तरह से चेंज किया गया, ये बहुत ही गलत है। और ये इससे बीजेपी जो है वो एक्सपोज हो गई है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और क्या गिला है इनका सरकार के खिलाफ। रमन जी, क्यों आप ये प्रोटेस्ट? नेहरू जी का जो जिस नाम पे वो यहाँ पे म्यूजियम यहाँ पे था, उसका नाम तब्दील किया और भाजपा की असली चेहरा सामने आ गया। भाजपा बुखला चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। और भाजपा ने 2014 के बाद तो कोई काम किया नहीं, ना बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, ना महंगाई को कम करने के लिए। और आज हिंदुस्तान की जनता जाग उठी है कि वो धार्मिक भावनों को भड़का के जो सियासी रोटियां सेकना चाहती थी, आज उसका जवाब हिमाचल और कर्नाटका के लोगों ने दिया। और वही दिशा के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता आज सड़कों पर उतर रही है। और उस वक्त नेहरू जी का नाम ख़त्म करना, मैं समझता हूँ, बौखलाहट है। कांग्रेस का फोबिया काफ़ी हावी हो गया भाजपा के दिमाग में, कि सोते हुए भी उनको कांग्रेस के परिवार वालों का नाम सामने याद आता है, और जब याद आता है तो उनकी नींद जो है वो हराम होती है। आज नेहरू जी की कंट्रीब्यूशन, जो 1947 से 64 तक हिंदुस्तान का नेतृत्व करते रहे, आज भारत हवाओं को चीरता हुआ अगर बुलंदियों को जा रहा है, तो उसमें के पीछे जवाहरलाल नेहरू की कंट्रीब्यूशन थी। चाहे चंद्रयान में रॉकेट मिसाइल ऐसी चीज़ें करके साइंस की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, तो इसरो वैसे डिपार्टमेंट भी जवाहरलाल नेहरू जी ने करके यहाँ पे दिए। और मेन था सेकुलरिज्म की बुनियाद, जिसको हिलाना चाहते थे नेहरू जी का नाम मिटा के, वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के लोगों में काफ़ी रोष है, गुस्सा है, इसलिए हम सड़कों पर इसका प्रदर्शन करें। क्या लगता है इस तरह की चीज़ें करके बीजेपी, क्या आपके जो लीडर थे, क्या उनको उनके नामों को जिस तरह से चेंज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? भाजपा जिस ढंग से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, कांग्रेस का इतिहास को भी मिटाना चाहती है, इसे मिटेगा नहीं। लोगों के दिलों में कांग्रेस राज करती है, और हिमाचल और कर्नाटका के लोगों ने दिखाया। आइंदा भी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश हरियाणा में भी अब कांग्रेस की बारी है, भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए वो नाम मिटा के इतिहास को छेड़छाड़ करने का प्रयास यहाँ पे करें। यहाँ पे भी अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से जो शेर कश्मीर बहुत सारी चीज़ें थी, उनकी छुट्टी भी रद्द की गई उनके नाम से। क्या लगता है कि उससे कुछ भी कर लें, लेकिन भाजपा ने जो जख्म जम्मू कश्मीर के अवाम को दिए, आज जवाहरलाल नेहरू की कंट्रीब्यूशन है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, जिसको ताज कहा जाता है, सर का ताज, उसमें जवाहरलाल नेहरू की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे। और मैं महसूस करता हूँ इनके जो जख्म जम्मू कश्मीर के अवाम को दिए हैं, रियासत तोड़ के गवर्नर की जगह एलजी बिठा के, बेरोजगारी चरम सीमा में पहुंचा के, कोरोना के पीड़ितों को प्रॉपर मुआवजा ना दे के जख्मों को ये हरा करने का काम करते हैं। और आने वाले वक्त में डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वाली भाजपा, जो 9 साल से हम लोग मेरू में रियासत की सरकार नहीं, चुनाव नहीं, उसका ध्यान भटकाने के लिए इनको लगता है कि शायद कांग्रेस परिवार वालों के नाम मिटा के वो इतिहास को ख़त्म करेंगे, वो ऐसा हो नहीं सकेगा। तो ये थे रमन भल्ला, आपने देखा कि किस तरह से ये लोग नाराज़ हैं। ये कहते हैं कि जो म्यूज़ियम का नाम चेंज किया गया है, नेहरू म्यूज़ियम का नाम, नेहरू म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी का नाम चेंज किया गया, ये गलत है। ये कोशिश है बीजेपी की तरफ से कि जो कांग्रेस के जो स्टाल वापस है, उनके 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 नाम को चेंज करके उनकी एक तरह से करने की कोशिश की, लेकिन उसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस तरह के प्रोटेस्ट यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये इसमें और ज्यादा तेजी लाएंगे जब तक कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको वो वापस नहीं लेती है। कैमरामैन साहब के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18।